टेंशन में आज का ब्लॉग करने वाला हूँ, बहुत ही खास तरीके से शूट। और ये शूट बोले तो बाबा मक्खन है मक्खन। सबको नमस्कार। तो आज है मेरा कोलकाता का डे फोर, अति दमदार वाला प्लान है बाबा। तो आज जाने वाले हम विक्टोरिया मेमोरियल, आज जाने वाले विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल जाने के लिए मेरे को सबसे पहले जाना होगा सर के घर। अभी तो अभी टाइम हो रहा है 11:11 का, मतलब मेरे को अभी निकलना पड़ेगा 12 बजे, मेरा ट्रेन है दमदम के लिए। तो सबसे पहले मेरे को जाना होगा सर के घर और सर को लेना पड़ेगा मेरे को। और बाबा मेरे को मिल गया टिकट, तो अभी मेरे को जाना होगा रिदेपुर के लिए निकल रहा होगा। और मेरे को जाना होगा अभी 7 नंबर प्लेटफॉर्म में, 11:30 बजे अभी छोड़ देगा मेरे को। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, निकलना है मेरे को। तो अभी टिकट को करेंगे स्कैन, उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे मेट्रो स्टेशन। सर भाग रहे हैं क्योंकि मेट्रो का टाइम हो चुका है अभी। तो उनका मेट्रो आ चुका है बाबा। का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है कोलकाता में बाबा, बहुत लंबा है। एक्चुअली क्या है, मैं जब उधर से आ रहा था ना, इस पैलेंट से, हाँ तो भाई बोल रहे कि ब्लॉग बनाते हैं, हम बोले हाँ। तो ये सबसे टाटा का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग देख कर ना बाबा, बहुत प्यारा, मतलब मेरे को आके ऊपर तक जा रहे हैं ऊपर। देखो सावन आए रे मन, अपन आज बहुत ही खास जगह पे आ चुके हैं बाबा, बोले तो एकदम मस्त। और ये ट्रिप का सबसे खास प्लेस है फाइनली यार, बहुत ही प्यारा सा प्लेस। और हम अभी आ चुके हैं फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल पर, और बोले तो ये ट्रिप का सबसे खास प्लेस है। तो फाइनली बाबा अपन आ चुके हैं ये एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वाला प्लेस में। ऐसा हो रहा है कि मैं तो बेतबनी से इंतज़ार था इस प्लेस को देखने के लिए, बहुत ही प्यारा प्लेस है। और ऊपर मैं दिखा रहा हूँ जूम करके बाबा, सुंदर से एक पड़ी खड़ा हुआ है और नीचे है इंडियन फ्लैग। आरे 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। और अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप कैमरा अलाउ नहीं है, उसके बाद फोन भी रख देगा, तो हम अंदर का कुछ नहीं दिखा नहीं पाएंगे। तो इतना से बाहर से जितना आप लोग खूबसूरती देख सकते हो उतनी खूबसूरती देख लो बाबा। और नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, इंडियन फ्लैग लहरा रही है और ऊपर एक पंछी, और मतलब पंछी मतलब बहुत ही खूबसूरत बोला पड़ी। सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। विजिट कर चुके हो ये मेमोरियल, और मेमोरियल बहुत ही सुंदर है और इसमें सुंदर जगह कमी नहीं है। और पुराना वाला जितने भी कहीं नहीं है सब भरपूर है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे घर जाकर, क्योंकि इतना डिटेल से भरा हुआ है ना, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा बट ख़त्म नहीं होगा।